यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मातिदेवासुरा यत्सत्वाद त्विव भाति सकलं रचो यथा हे ब्रह्मा। यन माया वसवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वश ब्रह्मादि देवता है, मतलब ब्रह्मा को माया लग जाए, सारे देवताओं को माया लग जाए, कब लगे? भगवान की माया भी भगवान की शक्ति है, और इसीलिए अगर भगवान सर्वत्र है तो माया भी सर्वत्र है। लेकिन जो भगवान से कुछ क्षणों के लिए भी जब भगवान की विस्मृति होती है, वही माया का प्रभाव पकड़ता है। माया हर जगह पर है। दुनिया में ऐसा कौन सा कोना है कि जहां माया नहीं है? अलग अलग रूप है माया के। माया तो है, बनी रहती है। भगवान से हटकर दूसरी चीज में प्रभावित हो जाना माया है। कभी भगवान के दर्शन के लिए जब हम मंदिर जाते हैं, और ऐसे में भगवान ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हैं वो हम भूल जाते हैं, और कभी कभी हम मंदिर की सुंदरता में फंस जाते हैं। यहाँ कैसी डिजाइन है, यहाँ कैसी डिजाइन है, ये कितना सुंदर है। अब मंदिर सुंदर होना चाहिए, सुंदर बनाना ही चाहिए, लेकिन भगवान की सुंदरता से मन हट जाए और मंदिर की सुंदरता में अगर मन अटक गया तो क्या हुआ? वही तो बात हुई। तो वहां पर वो सुंदरता भी माया बन जाती है। जब तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के प्रवाह में जरूर श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए, लेकिन जो लोग पानी में रहने के शौकीन है तो ऐसे लोग मंदिर कम जाएंगे या थोड़ी देर जाएंगे, घंटों घंटों तक वो पानी में मस्ती करेंगे। फिर वो गंगा जल हो, यमुना जल हो, लेकिन उनके लिए तो वो केवल एक मनोरंजन है, उसको केवल वो उसमें मस्ती करनी है। तो वहां पर वो प्रवाह माया बन जाता है कि वो तो वहीं फंस गया, उसको कोई मतलब नहीं है कितना सुंदर दर्शन है, कितनी पवित्र भूमि है, कितना कुछ है, कितना सुंदर दर्शन है। वो बार बार उधर चले जाएंगे और मजाक मस्ती वो सब जाकर के उधर करेंगे। तो ऐसे में वो नहीं माना जाता कि उसने स्नान किया, बल्कि कहीं ना कहीं एक अपराध हो जाता। माया तो है, मूल तत्व से जो दूसरी चीज है उसमें हमको प्रभावित कर दे, सर्वत्र है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, इसलिए माया भी सर्वत्र है। लेकिन ब्रह्मादि देवता भी उसकी माया के वश रहते हैं। तो इसका भाव है कि जब कुछ क्षणों के लिए भी हमारा मन भगवान से दूर होता है तब माया पकड़ लेती है, और जब माया ने नहीं पकड़ा था और हमारा मन भगवान में था तब भी माया तो थी, लेकिन माया हमको पकड़ नहीं सकती थी, हम प्रभावित नहीं होते थे किसी वस्तु से, क्योंकि हमारा। और ब्रह्मादि देवता का मतलब ये भी है कि अगर हम कितने भी बुद्धिमान हो, ब्रह्मा बुद्धिमान है,
कितनी भी रचनात्मक शक्तियां हमारे अंदर हो, उसके बाद भी भजन सर्वोपरि है। कुछ ज्यादा ही बुद्धि होने के कारण, ज्यादा ही रचनात्मक शक्तियां हमारे पास होने के कारण ये समझ ले कि हम तो बड़े बड़े निर्माण करते हैं, हमें भजन करने की क्या जरूरत, हम बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, हमें भगवान के भजन की क्या जरूरत, हम बहुत बड़े सेवा केंद्र चला सकते हैं तो हमको अब भजन की क्या जरूरत। अगर ऐसा समझकर हम भजन को छोटा समझे और निर्माण को बड़ा समझने लगे तो ऐसे में माया प्रभावित कर देती है, माया गला पकड़ लेती है व्यक्ति का, फिर वो ब्रह्मा के समान रचनात्मक शक्ति वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो। और ऐसा हुआ भी जब भगवान कृष्ण को देखकर, जब ब्रह्मा जी को लगा कि ये ब्रह्म नहीं है, भगवान में भगवान न दिखे, ऐसा कब होगा, जब सत्संग छूटे, सुमिरन छूटे, भजन छूटे, तब हमारी दृष्टि थोड़ी कमजोर हो जाती है कि हमको भगवान में भी भगवान नजर नहीं आता। अगर सत्संग है, भजन है, सुमिरन है, तो ऐसे में तो हमको जड़ में भी चेतन का दर्शन होता है, अन्यथा चेतन में भी चेतन का दर्शन नहीं हुआ। और ऐसा हुआ तब ब्रह्मा ने फिर गलती कर दी। तो यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सभी देवता भी जब भगवान के भजन से विमुख होते हैं तो माया उसको भी प्रभावित करती है। ऐसे परमात्मा जिनकी कृपा के बिना, जिनके भजन के बिना जगत सत्य महसूस होता है, किस प्रकार, तो बताया यत्सत्वादम रसैव भांति सकलम रज्जो यथा है ब्रह्मा यत् पादप प्लवमेक मेव हि भवाम बोधे स्थितिरसावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जिस प्रकार कई रस्सी पड़ी है और रस्सी को अगर हमने सांप समझ लिया, रस्सी को सांप समझ लिया तो इससे वो काटेगी नहीं, रस्सी को सांप समझ लिया इससे वो सांप बनेगी नहीं, लेकिन रस्सी को सांप समझकर हम डर गए तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा। ये तो हुआ, रस्सी सांप नहीं बन गई लेकिन हमारा नुकसान तो हुआ, क्योंकि हमने जो वस्तु नहीं है जो, उसको हमने वो समझ लिया तो इससे हमारा नुकसान तो होगा। जब सांसारिक व्यवस्थाओं को, सांसारिक सुविधाओं को हमने सुख नाम दे दिया तो यही हुआ कि हमने रस्सी को सांप नाम दे दिया। पढ़िए रस्सी, हमने, हमको जब सांप ही महसूस होता है तो हम तो यही कहेंगे कि वहां सांप है, तो रस्सी को सांप नाम दे दिया हमने, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारी घबराहट बढ़ जाएगी, हम वहां जा नहीं पाएंगे। और तब तक जब तक सूर्योदय नहीं होता, जब तक प्रकाश नहीं होता, जब तक उस राम का ब्रह्म स्वरूप हमको मालूम नहीं होता तो नुकसान होगा। ये संसार की सुविधा को सुख नाम देना ही गलत है। सुविधा जरूर है, घर एक सुविधा है, सुख नहीं। जो भी कुछ व्यवस्था में प्राप्त होती है, खाना पीना पहनना ओढ़ना बिछाना घूमना फिरना, कई बार जाना है तो उसके लिए हमारे पास साधन हो, चार पहिए वाला हो, ये सारी की सारी चीजें
जो है वो सुविधा के अंतर्गत आते हैं। पता नहीं इसको सुख नाम कब दे दिया और किसने दे दिया, क्योंकि हम लोग जिसको सुख कहते हैं इनमें से कोई चीज शायद कबीर जी के पास नहीं थी। साधारण सी छोटी मोटी कुटिया होगी उसको रहने के लिए, लेकिन कोई बंगला तो था नहीं, कोई भवन था नहीं, कोई गाड़ियां नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कबीर जी ने कहा जो सुख पायो राम भजन में, सुख पायो। अपने महल में रह करके मीरा ने कभी यह नहीं कहा कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन जब वो अपना तंबूरा लेकर घर से चल पड़ी, एक तीर्थ दूसरा तीर्थ, वो गांव गांव भजन करती हुई वृंदावन जा रही थी, द्वारिका जा रही थी, और उस स्थिति में राम रतन धन पायो, खर्च ना कूटे, चोर ना लूटे। तो जिन चीजों को हम सुख कहते वो वाली वस्तु तो थी नहीं। तो कबीर साहब ने जब सुख शब्द दिया, जो सुख पायो राम, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, यही बात बताई गोस्वामी जी ने, सुख नाम दिया तो केवल एक तत्व को सुख नाम दिया। सो सुख धाम राम अस नाम, भगवान को सुख धाम कहा, और भगवान सुख धाम है तो फिर सुख क्या है, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हो, सत्संग मिले, आनंद मिले, शांति मिले, संत मिले, सारे सद्गुण मिले, अन्य सारी चीजें सुविधा जरूर है, क्योंकि शरीर को चाहिए, वो मिल जाना आवश्यक है, वो भी आवश्यक है अपनी जगह पर, लेकिन उसको सुख कहो और उसके न मिलने को दुख कहो, तब ये छोटी छोटी चीजें, कभी हर्ष कभी शोक, कभी मजा कभी सजा, ऐसा करेगी हमारे साथ। रज्जो यथा है ब्रह्म यत पादप्लवमेकमे वही भवान बोधे स्थितिर्षावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तो वो तत्व जो प्रकट हुआ महाराज दशरथ जी के यहाँ, लेकिन त्रेतायुग में जो राम प्रकट हुए गोस्वामी जी यहाँ, उस भूतकाल के राम की बात नहीं कर रहे गोस्वामी जी, उस राम की बात करें जो सदैव वर्तमान है, और जो सदैव वर्तमान है वही तो महाराज के यहाँ प्रकट हुए थे, क्योंकि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, चाहे जब प्रकट भी हो सकता है। कोई कैसे कहे कि भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि भगवान भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, जब सब कुछ कर सकता है तो वो प्रकट क्यों नहीं हो सकता, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड प्रकट कर सकता है तो वो खुद क्यों प्रकट नहीं हो सकता, इतनी बड़ी दुनिया को बना सकता है तो फिर वो क्यों प्रकट नहीं हो सकता। पर यहां जिस राम को गोस्वामी जी याद कर रहे हैं वो है महाराज के यहां प्रकट होने के पहले भी जो तत्व था, जो स्वयं भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए भावाधीन होकर के दो हाथ दो पैर वाला बन करके माँ कौशल्या जी की गोदी में आया, जो आया उसको गोस्वामी जी यहाँ नमन करते हैं। और सातवें श्लोक में ये बताया कि रामचरितमानस उनको कैसे मिला,
और रामचरितमानस की रचना उन्होंने की किस हेतु से? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमागम, इसके लिए गोस्वामी जी ने पुराणों का अभ्यास किया है। वेद पुराण शास्त्र बहुत कुछ पढ़े हैं, काशी में रहकर भी अभ्यास किया है उन्होंने, और इतना अभ्यास करते करते मतलब शास्त्रों में तलाश की है, ग्रंथों में उस परमात्मा को ढूंढने का पूरा प्रयास किया है, और साथ साथ जब गुरुदेव की कृपा हुई तदपि कही गुरु बार ही बारा, जब गुरुदेव ने भी उस राम तत्व का उपदेश किया, उसका मार्गदर्शन किया, और तब राम तत्व उनकी समझ में जो आया, चाहते तो वो कह सकते थे कि ये मेरा अपना है, मौलिक है, मेरा अपना विचार है, क्योंकि गोस्वामी जी के पहले इस प्रकार की रचना तो किसी ने की नहीं थी। वो कह सकते थे कि मैं पहला हूँ, ये मेरा अपना है, ये मेरी बुद्धि है, वो अपना मौलिक बता सकते थे, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान वैसे किसी का अपना मौलिक नहीं होता, वो तो अनादिकाल से है ही, ज्योत से ज्योत की तरह वो प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब अर्जुन को उपदेश किया, उसमें भी कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये पहले सूर्य को दिया था, फिर ये परंपरा से प्राप्त है। चाहते तो कह सकते थे कि मेरा अपना है, मेरा अलग है, मौलिक है। हाँ, तरीका अपना कुछ मौलिक हो सकता है, बात रखने का अपना अपना सबका ढंग हो सकता है, वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में वस्तु अलग नहीं होते, ज्ञान अलग नहीं होता, वो तत्व अलग नहीं होता। जैसे एक टंकी का पानी होता है, अलग अलग प्रकार के नल में, नल से उसको प्राप्त किया जाता है, तो कोई नल ऐसे घुमाना होता है, कोई नल ऐसे घुमाना होता है, लेकिन पानी दूसरा नहीं है, उसको बाहर लाने का सिस्टम अलग अलग होता है। उस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान अलग नहीं होता, सबका अपना अपना ढंग अलग होता है, वस्तु मौलिक नहीं है, क्योंकि अलौकिक है, और अलौकिक अपना मौलिक कैसे हो जाएगा? मीरा ने कहा वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, इसी प्रकार ही प्राप्त होता है। जो मेरी समझ में आया गुरु कृपा से, शास्त्र तो खूब खूब समझे, खूब पढ़े, बहुत अभ्यास हुआ, लेकिन जितना अभ्यास किया उतना समझ में नहीं आ जाता, जितना अभ्यास किया उनमें से सदगुरु के द्वारा जो हमें दृष्टि प्राप्त होती है, उस दृष्टि के अनुसार ही हमको समझ में आता है, पूरा का पूरा समझ में नहीं आता। ये समुद्र है, रघुवीर चरित अपार बारिधि कहा है, ये तो बारिधि है, कोई इसको पूरा पी नहीं सकता, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार इसमें से हम राम को समझ सकते हैं, ब्रह्म को समझ सकते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को हम अर्जित कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं,
अपने भीतर से इसका अभ्यास करते हुए, और जितना समझ में आया वो स्वामी जी कहते हैं उसी को स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसको स्वांतः सुख के लिए, स्वसुख के लिए नहीं, स्वांतः सुख के लिए, यानी मन की शांति के लिए। शरीर तो कई बार शांत हो जाता है, बिल्कुल भी शांत हो जाता है, लोग कहेंगे शांत हो गए, वो तो गए मतलब शांत हो गए, लेकिन तब भी कहाँ हमारा अंतःकरण शांत होता। शरीर शांत होने के पहले हमारी तरंगे शांत होनी चाहिए, शरीर शांत होने के पहले मन शांत होना चाहिए, शरीर शांत होने के पहले अंतःकरण शांत होना चाहिए। तो अंतःकरण की शांति के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं रामचरितमानस की रचना करता हूँ। अब तुलसीदास जी ने अपने मन की शांति के लिए रचना की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई इसका आश्रय करेंगे उसका सीधा असर मन की शांति पर होगा, मन को शांत करेगा। कुछ औषधियाँ कॉमन होती है जो सबके लिए होती है। एक व्यक्ति को सर दर्द है, वो व्यक्ति कहेगा जिसके पास औषधि है तो वो कहेगा कि ये ले लो इससे ठीक हो जाओगे। तो जिसको भी सर दर्द है कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं, सब ले ले। जब एक व्यक्ति को पीड़ा होती है और पीड़ा को शांत करने की एक दवाई होती है तो वो पेन किलर है उसके पास, जिसको भी दे उसको तत्काल उसका फायदा हो जाता है। गोस्वामी जी ने इसको स्पष्ट भी किया है कि ये सबको लागू होने वाली औषधि है, सबके मन को शांत करने वाली ये औषधि है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो भज राम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो। ये केवल अपने मन को नहीं कह रहे हैं, दुनिया में जो भी मन वाले हैं उन सबको कहते हैं कि अगर मन को शांत करना है, मन को स्वस्थ करना है, मन को विश्राम देना है तो ये सबके लिए ये औषधि है। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस प्रकार 7 श्लोक में स्वामी जी ने मंगलाचरण किया। और यहाँ से जो कथा शुरू करते हैं वो कथा है तुलसीदास जी अपनी मातृभाषा में कथा की शुरुआत करते हैं, अवधि भाषा में, क्योंकि तुलसीदास जी को भगवान शिव की आज्ञा है कि आप अपनी मातृभाषा में मानस की रचना करो। ऐसा भी कहते हैं कि जब संस्कृत में मंगलाचरण हुआ उसके बाद संस्कृत में ही तुलसीदास जी कथा लिखते थे, तो मंगलाचरण के अलावा जो कुछ लिखा था वो सब रात में वो गायब हो जाता था। जब सुबह उठकर देखें तो फिर वो लिखा हुआ कहाँ गया, मंगलाचरण रहता था बाकी सब गायब हो जाता था, वो अक्षर रहते ही नहीं थे। कहाँ चला जाता है, कैसे अक्षर ही गायब हो जाता है, कैसे पन्ने कोरे हो जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता था। और गोस्वामी जी भगवान शिव जी के पास, काशी विश्वनाथ के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी, क्या हो रहा है, मंगलाचरण रह जाता है बाकी सब कहाँ चला जाता है। और तब भगवान शिव जी ने, भगवान काशी विश्वनाथ ने गोस्वामी जी को स्वप्न में जाकर के आदेश दिया है कि आप सरल भाषा में, लोक भाषा में, गांव का व्यक्ति भी समझ सके उस तरीके से, उस भाषा में आप मानस की रचना करो। भाषा सरल हो
और बात अद्भुत हो, तो ईश्वरीय ज्ञान सरल भाषा में जब जगत को दिया जाए तब दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेगा, तब सबके मन का विश्राम इस कथा से बनेगा। इस प्रकार शिव आज्ञा होने के कारण गोस्वामी जी यहाँ से सरल भाषा में, अपनी मातृभाषा में कथा का आरंभ करते हुए 5 सोरठा सबसे पहले रखते हैं। 5 सोरठे से लोक भाषा में यहाँ से कथा शुरू होती है।